सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल वेगान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है काफ़ी पहाड़ पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक सेकंड ज़रा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि इतनी ऊंचाई से जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आ जा, सारा हॉर्न यहीं पर बजाते ना जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद जो है वापस आ चुके हैं भैया। कुछ नहीं, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे साले मर तो नहीं गया तू? नहीं, मरा तो नहीं हूँ, जिंदा ही बैठा हूँ आप लोगों के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार थोड़े से घर वगैरह के काम होते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है कभी कभार ब्रेक ले लेना पड़ता है और चैनल्स को भी जो है देखना पड़ता है। चलो जी, बैंकिंग जो है यहाँ पर हम देख रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है आरबीआई एक्ट को जो है कर लिया था, ठीक है जी। इसके अंदर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को करेंगे 1949, ठीक है जी। तो 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या है ये जो हम समझने की आज कोशिश करते हैं। चलो जी एक सेकेंड रुको यार, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो जी, दिस एक्ट केम फोर्स इन 10 मार्च 1949, ठीक है जी। 1949 10 मार्च को जो है यहाँ पर ये एक्ट फोर्स में आ चुका था। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, तो सारे इंडिया के ऊपर जो है ये लागू होता है, ठीक है जी। अब सेक्शंस के यहाँ पर सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, सेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा हमने कुछ इसके अंदर समझना नहीं है। सेक्शन 5B क्या कहता है, 1-2 आपको पता है, बेसिक्स वगैरह बताता है, वो आप देख लेना। मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं जी, तो सीधा जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 का बी बताता है, बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो इसने बड़े अच्छे तरीके से जो है बैंकिंग का मतलब जो है समझा दिया। एक सेकेंड रुको यार, हाँ तो इसने बड़े आसान तरीके से जो है बैंकिंग का मतलब जो है समझा दिया। इसने क्या बताया, बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस। अब क्या एक्सेप्ट तो कर रहे हो तुम किसी चीज़ को, किस पर्पस के लिए भाई? लैंडिंग के लिए, लोन देना, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी, पैसा लगाना किसी चीज़ में। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, क्या ले रहे हो मनी किस से? पब्लिक से। तो रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विदड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर। तो वो पैसा तुम ऐसा नहीं कि तुम अटक जाएगा लोगों का, तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक, डीडी या मनी वगैरह किसी भी तरीके से, तो उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो लेकिन तुम पैसा ले रहे हो लगाने के लिए या देने के लिए किसी को, ठीक है जी। तो ये बैंकिंग सिंपल शब्दों में से समझा दिया। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, सेक्शन 6 कह रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज मे एंगेज, किस किस तरीके के बिजनेस में जो है बैंक जो है वो एंगेज हो सकते हैं, किस तरीके का काम वो लोग कर सकते हैं। पहला, एक्टिंग एज एजेंट फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन और पर्सन, तो किसी के उस पर एजेंट बन सकते हैं वो। इफेक्टिंग, दूसरा पॉइंट, इफेक्टिंग इंश्योरिंग, गारंटिंग, अंडरराइटिंग, पार्टिसिपेटिंग, मैनेजिंग, कैरिंग आउट ऑफ एनी इशू, ये सारे काम भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और वर्क नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी, ये भी जो है ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन 6 पे जाता कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सेक्शन 7 देखते हैं, यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, इन वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ। तो सेक्शन 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसके अंदर हमें बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी चार चीज़ों के बारे में पता चलेगा। देखो जी, नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल यूज़ एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एनी ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग। तो कोई भी कंपनी अदर देन जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो उसको ये शब्द या ये वर्ड्स यूज़ करने की परमिशन नहीं है। क्या बैंक, बैंकर, बैंकिंग, इस तरीके से वर्ड जो है ये वो यूज़ नहीं कर सकती कंपनी। एंड नो फर्म, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो ये लोग भी जो है इनको अलाउड नहीं है कि ये बैंक, बैंकर, बैंकिंग ऐसे वर्ड जो हैं यूज़ कर पाएँ, ठीक है जी, किसी भी बिजनेस के अंदर जो बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है। चलो जी, सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन 8 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, इसका क्या मतलब हुआ, नो बैंकिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू और हेल्ड बाय इट। तो रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, जो सिक्योर्ड लोन हो गए जैसे। सो क्या कहना चाह रहा है, ट्रेडिंग के अंदर जो है बैंकिंग बिजनेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मुद्दा यही है सेक्शन 8 का, बस यही पर कह रहा है वो। ना ही बार्टरिंग हो गई, जब लेन देन सामान के सामान थ्रू करते हैं ना वो, ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग बिजनेस जो है नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या है, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, जैसे सिक्योर्ड लोन है उसके अंदर तो ऑब्वियसली डील करना ही पड़ेगा ना उसे। सेक्शन 9 के बारे में पढ़े, तो सेक्शन 8 हो गया हमारा। 9 कहता है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी बैंक, ओ भाई तो तैयार, ओ भाई तो तैयार,
भाई चलो कोई नहीं यार, ये ना चलो गया, सॉरी मैं तेरी तो भाई ये वीडियो नहीं बनाने देगा यार तो दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है, ये उड़ रहा है उधर की तरफ को। गया मेरे ख्याल से। चलो जी वापसी आ जाते हैं। तो आपको रॉ फुटेज दिख रही है आज, इसको मैं सोच रहा एडिट ना ही करूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वीडियो बनाने में अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो। हाँ जी, सेक्शन 9 पे पहुँचते हैं फटाफट से। सेक्शन 9 कह रहा है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स में, ठीक है जी। तो कोई भी बैंक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज़्यादा नहीं रख सकता। कैन नॉट होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट ओवर 7 ईयर्स एक्सेप्ट ओन प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली खुद की प्रॉपर्टी है तो 7 क्या 70 साल रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की किसी की प्रॉपर्टी 7 साल से ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। अगर कोई उसमें दी है तो उसे बेचना पड़ेगा। RBI में एक्सटेंड दिस पीरियड बाय 5 ईयर्स, तो 5 साल जो है और बढ़ सकते, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक मैक्सिमम रख सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ RBI। RBI 5 साल इस पर बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, केस ऑफ मॉर्गेज, किसी ने मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के जो है किसी ने लोन लिया है, तो उस केस में 7+5 तक मैक्सिमम 12 साल तक वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है अगर डिस्प्यूट में चल रहा है तो। सेक्शन 10 का भी देख लेते हैं फटाफट से। 10 का भी क्या कह रहा है, बैंकिंग कंपनी टू बी मैनेज्ड बाय होल टाइम चेयरमैन, ठीक है जी। तो बैंकिंग कंपनी में जो है एक होल टाइम चेयरमैन होना चाहिए जिसका काम 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। बड़ा सिंपल हो गया। सेक्शन 11 पे आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बिल्कुल मत मिस करना सेक्शन। बाकी करो, बाकी तो करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कोई भी एक आधा छोड़कर 11 मत छोड़ना बस। क्या रिक्वायर्ड एज टू मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक बैंक को मिनिमम 5 लाख होने चाहिए उसके पास, और फॉरेन बैंक के पास 15 या 20 लाख। मतलब 20 लाख किस केस में हो सकते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर। तो ये मिनिमम कैपिटल उनके पास रखी होनी चाहिए बैंक कहलाने के लिए। सेक्शन 13 की बात अगर हम करें, रिस्ट्रिक्शन ऑन कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ शेयर, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है 2.5% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ वैल्यू शेयर, ठीक है जी। बड़ा आसान हो गया। सेक्शन 15 फटाफट देख लेते हैं क्या है, छोटे छोटे सेक्शन है ये। सेक्शन 15 कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में क्या कहना चाह रही है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड ऑन शेयर अंटिल ऑल इट्स कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, ब्रोकर एक्सेट्रा हैव बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ। मतलब कि पूरे हो चुके हैं कौन से कैपिटलाइज एक्सपेंसेस, उसके खुद के सारे हो चुके, तभी वो डिविडेंड दे, वरना ज़बरदस्ती का डिविडेंड ना दे। क्या कोई भी बैंकिंग कंपनी, तो इसका क्या मतलब हुआ, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, जो उस बैकग्राउंड से नहीं उनको समझा दूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप SBI बड़ा फेमस बैंक है, ठीक है जी, SBI बैंक देख लेते हैं हम, ठीक है। उसका शेयर है हमारे पास, ठीक है जी, 100-200 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो अभी करंटली। अभी ये आप वीडियो कब देख रहे हो, अब 2 साल बाद 3 साल बाद देखोगे तो ऑब्वियसली 300-400 भी हो सकता है वो। तो अभी तो मोटे मोटे तौर पर 200 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो जैसे अगर हम जैसे हम शेयर होल्डर उसका 200 का शेयर खरीद लेते हैं, तो कंपनी जो है मतलब SBI बैंक है ना वो, तो वो जो है कुछ डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को कि मतलब हाँ भाई लो हमारे पास प्रॉफिट आया है, लो तुम भी रखो, तुम भी खुश रहो। और इस बहाने से क्या है कि शेयर होल्डर बना रहता है उस शेयर के साथ कि हाँ भाई चलो अपना पैसा उसमें दिए रखता है वो। तो कंपनी जो है डिविडेंड क्यों देती है भाई, उसके पास अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या करेगी अगर उसके सारे एक्सपेंसेस निकल चुके नेसेसरी, जो कि यहाँ पर थे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, ब्रोकर, सब कुछ निकल गया। उसके बाद अगर उनके पास कुछ SBI बैंक के पास प्रॉफिट बचता है तो वो शेयर होल्डर्स पर थोड़ा बांट देते हैं कि भाई तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि रहता है कि शेयर होल्डर हमारे साथ बना रहे, ठीक है जी। तो डिविडेंड कैसे निकाला जाता है, डिविडेंड निकाला जाता है प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मतलब बैंकिंग जस्ट फॉर एग्जांपल SBI का शेयर ले लेते हैं, SBI बैंक का, तो SBI का जो प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, कितने उसके पास शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, इनको डिवाइड करके कैलकुलेशन निकालो उतना डिविडेंड आपका बन जाएगा। आओ जी सेक्शन 16 पे चलते हैं। सेक्शन 16 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर,
क्या कॉमन डायरेक्टर की प्रोहिबिशन है? नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल हैव एज अ डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी. तो कोई भी इंडिया के अंदर अगर कोई बैंकिंग सर्विस आई है या बैंक कोई आया है, कोई कंपनी आई है जो बैंकिंग बिजनेस के बिलोंग करती है, उसके अंदर डायरेक्टर होगा नहीं होगा, मतलब डायरेक्टर तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन इस केस में नहीं होगा अगर वो इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी. या तो उसके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर निकाल लिया हो या फिर कोई और कोई कंपनी के डायरेक्टर को ले लिया हो, ये केस में डायरेक्टर वो नहीं बन सकता बंदा. बड़ा आसान हो गया जी, सिंपल है. सेक्शन 17 क्या है? रिजर्व फंड. बड़ा आसान है. एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड. ठीक है जी, जितनी भी कंपनी है इंडिया के अंदर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, उसको एक रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा. क्या होता है ये? ट्रांसफर टू रिजर्व फंड एंड सरप्लस 25% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड. तो मतलब क्या हो, जैसे XYZ एक बैंक है, उसका प्रॉफिट था 100 करोड़ का. XYZ एक बैंक है, उसका प्रॉफिट था 100 करोड़ का. उसने 25%, मतलब कि 25 करोड़ जो है एज अ रिजर्व फंड बना लिया. ठीक है जी, और बाकी जो 75 करोड़, मतलब 75% जो रहा, वो जो है उसको डिविडेंड की तरह उसमें दे सकता है. तो मिनिमम एक अमाउंट उसको रिजर्व रखना पड़ेगा हर बैंक को अपने पास. सेक्शन 18 देख रहे थे फटाफट से. ये रिजर्व क्यों भी रखता है बैंक? एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, एकदम कुछ हो गया भाई, कोई पैसा मांगने आ गया तो उसे देना पड़ेगा ना. सेक्शन 18 देख लेते. कैश रिजर्व CRR, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं. जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ CRR को मैं, लेकिन जो नहीं है वो उसको समझाते हैं. एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक शैल मेंटेन इन इंडिया. हर कंपनी शेड्यूल्ड बैंक को छोड़कर शैल मेंटेन इन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस बाय वे ऑफ कैश रिजर्व विद itself or by the way of balance in the current account with the RBI. तो CRR एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है हर बैंक को. ठीक है जी, बाय द वे ऑफ बैलेंस, कोई अपना बैलेंस के वे में कर लें या फिर करंट अकाउंट के अंदर डाल दें जो कि RBI के पास है. बड़ा आसान हो गया. ठीक है जी, सेक्शन 20 का कह रहा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकती है भाई बैंकों की, कि क्या वो लोन्स और एडवांसेस में क्या दिक्कतें हैं उनको? भाई नो बैंकिंग कंपनी, ठीक है जी, कोई भी नहीं है इसको, ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर. तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है खुद के ही सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर लोन नहीं दे सकती. सो ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने ही शेयर के ऊपर जो है वो लोन नहीं दे सकती कोई भी बैंकिंग कंपनी. ठीक है जी, सेक्शन 22 की बात करें, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी. अब भाई बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस वगैरह कौन देगा, क्या है एक्स्ट्रा प्रोसेस, ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया. नो कंपनी शैल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड इन दैट बिहाफ ऑन दैट बिहाफ बाय द RBI एंड एनी सच लाइसेंस मे बी इशूड सब्जेक्ट ऑफ सच कंडीशन एज द RBI मे थिंक फिट टू इम्पोज. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ नहीं है RBI के पास, RBI से तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर तुम्हें धंधा करना है बैंकिंग से रिलेटेड इंडिया के अंदर. बड़ा सिंपल हो गया. सेक्शन 24 की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ SLR. SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या चीज़ है भैया? SLR करंटली जो 18.25 के आसपास चल रही है. ठीक है जी, होता क्या है, जो SCB होती है ना, शेड्यूल्ड बैंक, उनको जो है मेंटेन करना पड़ता है कुछ परसेंटेज कैश का, कुछ परसेंटेज गोल्ड का, कुछ परसेंटेज परमिट बाय गवर्नमेंट का, इन सबको करना पड़ता है. तो NDTL जो जाता है RBI के पास, अगर ये मेंटेन नहीं करा जाए तो पेनल्टी लगा सकता है कौन? RBI. तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसी रेशियो होती है जो कुछ परसेंटेज कैश, कुछ परसेंटेज गोल्ड, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने कही है, तो ये जो है एक बैंक को मिनिमम मेंटेन रखना पड़ता है. ऑब्वियसली यार, ये थोड़ी कि तुम पूरे खाली होकर बैठ जाओगे, मैनेजर बन के सूट बूट पहन के बैठ जाओगे, तो कुछ परसेंटेज तुम्हारे पास होनी चाहिए, एमरजेंसी सिचुएशन को भी टैकल करना पड़ सकता है. ठीक है जी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. फॉर्म 8 जो है वो होता है SLR के लिए, एंड ईच ऑल्टरनेट फ्राइडे ड्यूरिंग द मंथ. ये क्या चीज़ है? ये तो मेरे ख्याल से मीटिंग के बारे में बात कर रहा होगा. हाँ, तो हर फ्राइडे को जो है, हर मंथ के फ्राइडे को इनको जो है SLR की रिपोर्ट देनी पड़ती है RBI को, मतलब बेसिकली मेंटेन रखना पड़ता है. सेक्शन 26 के बारे में अगर हम बात करें, रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट. तो कोई भी बैंक के पास अगर डिपॉजिट आता है जो अनक्लेम्ड रह जाता है, उसका क्या करना है? तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होगा? रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब कि 10 साल एंड अबव कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो 10 साल या उससे ऊपर तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, विद इन 30 डे और क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर टू RBI. तो विद इन 30 डे के अंदर उसको करना पड़ेगा उसे हिसाब किताब. तो 10 साल तक का कोई डिपॉजिट अगर रह गया तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है, कि किसी ने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी.
सो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड भी होता है इसके अंदर। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, मिस्टर ए है, उसने एक ब्रांच में गया वो एसबीआई की कोई नया अकाउंट खुलवाने के लिए। एसबीआई के पास गया मिस्टर ए कि हाँ भी मेरा एक नया अकाउंट खोल दो फलाना फलाना ब्रांच के अंदर। 1 जनवरी को उसने जो है, 1 जनवरी 2020 को, अब क्योंकि 2020 में ये वीडियो बन रही है मेरी फिलहाल तो एंड आ रहा है, लेकिन फिर भी 1 जनवरी का एग्जांपल लेते हैं, एक आसान रहेगा। 1 जनवरी 2020 को फॉर एग्जांपल उसने 5,000 उस अकाउंट में जमा कर दिए, ठीक है जी, 6 महीने हो गए, कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ, पार्शल फ्रीज़ हो जाएगा, पार्शल फ्रीज़ कर देगा उसका अकाउंट SBI। किसका? मिस्टर ए का। पार्शल फ्रीज का क्या मतलब होता है? पार्शल फ्रीज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर डेबिट ब्लॉक्ड होता है लेकिन क्रेडिट कर सकते हो, मतलब तुम पैसा उस अकाउंट में जमा कर सकते हो, निकाल नहीं सकते। बड़ा आसान हो गया जी, चलो ठीक है। अगर 12 महीने हो गए, मतलब कि 1 साल फुल फ्रीज हो जाएगा उसका अकाउंट मिस्टर ए का, उसके 5,000 अटक जाएंगे, ना ही वो निकाल पाएगा ना ही वो डाल पाएगा उस अकाउंट के अंदर पैसा। 7 साल अगर हो गए, ठीक है जी, पहले तो 6 महीने पार्शल फ्रीज जिसमें डेबिट अलाउड नहीं होता, क्रेडिट अलाउड होता, मतलब पैसा डालना अलाउड होता, निकालना अलाउड नहीं होता। 1 साल हो गया तो दोनों बंद हो जाते हैं, ना ही तुम डाल सकते हो ना ही तुम निकाल सकते हो उस अकाउंट में से। अगर 7 साल हो जाते हैं ना तो ये डेड अज्यूम कर लिया जाता है, ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ 7 ईयर्स वाला, अगर आपको याद होगा तो हर जगह पर 7 साल अगर तक बंदा नहीं आता है अकाउंट को कुछ करवाने तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर 10 साल हो जाए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गोज टू RBI, तो अगर 10 साल तक आपका अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो वो पैसा RBI में चला जाता है। अब इससे डरो मत, इसका मतलब ये नहीं कि RBI खा गया पैसा, तुम अगर बाद में आते हो 11वें साल या 12वें साल तो ऑब्वियसली वहाँ से वो रिटर्न होगा पैसा और तुम्हें मिल जाता है, ऐसा नहीं तुम्हारा पैसा है भाई वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, थोड़ा लंबा चक्कर हो जाता है फिर। सो दिस अमाउंट इज़ यूज इन डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर जो ये RBI के पास चला जाता है वही पैसे को यूज़ करा जाता है, यहाँ भाई अवेयर हो सारे। तो ये आगे जी सेक्शन 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था। सेक्शन 28 के बारे में बात करें, पावर टू पब्लिश इन्फो। सो RBI और नेशनल बैंक और बोथ दोनों के पास पावर है क्या? कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए बैंकिंग से रिलेटेड। सेक्शन 35 का ए, 35A, ये क्या कह रहा है? पावर ऑफ द RBI टू गिव डायरेक्शन। RBI के पास पूरी पावर है कि वो डायरेक्शन दे, किस चीज़ का? पब्लिक इंटरेस्ट के हित में या फिर इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी के हित में, ठीक है जी। सेक्शन 36AA, ये क्या कह रहा है? पावर ऑफ RBI टू रिमूव मैनेजरियल एंड अदर पर्सन फ्रॉम ऑफिस। तो पूरी पूरी पावर है RBI के पास कि जो मैनेजरियल वर्क के अंदर हमारे पास फोर्स है किसी बैंकिंग कंपनी के अंदर तो उसको वो रिमूव कर सकता है। कौन? RBI। कौन हो सकता है? कोई भी चेयरमैन, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, इन सबको हटाया जा सकता है RBI के थ्रू अगर RBI को कुछ डाउट लगता है तो। सेक्शन 36 का AB क्या कह रहा है? सेक्शन 36 का AB कह रहा है पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। तो RBI के पास भी पूरी पूरी पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। ऑब्वियसली यार RBI माई बाप है। सेक्शन 37 सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये क्या कह रहा है भैया? बैंकिंग कंपनी टेम्पररली अनेबल टू मीट हिज ऑब्लिगेशन, इट मे अप्लाई टू हाई कोर्ट प्रेइंग फॉर एन ऑर्डर स्टेइंग द कमेंसमेंट ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल एक्शंस एंड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। सच सस्पेंशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अ मॉरिटोरियम। क्लियर हो गया? जो कोविड के अंदर हुआ है आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, अगर आप लोग इस जनरेशन के जिन्होंने कोविड वाला सीन देखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वीडियो बाद में भी कोई देखेगा तो वो कहेगा कोविड क्या था। तो अगर आप उस जनरेशन से हो जिसने कोविड को एक्सपीरियंस करा है तो बार बार आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा मॉरेटोरियम लग गया, बैंकिंग में मॉरेटोरियम लग गया। तो एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है लोगों को भी और बैंकिंग बिजनेसेस को भी कि भाई थम जाओ, पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, रुक जाओ। तो वही बोला कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है टेम्प्रेरली अगर अनेबल हो रही है, बैंकिंग को भी ये पावर है पूरा, बैंकिंग बिजनेस को भी, कि अगर वो टेम्प्रेरली कुछ काम नहीं हो पा रहा कभी अपने बिल्कुल बेसिक जो ऑब्लिगेशन है वो होती है ना कि हो ही नहीं पा रहा काम यार, बेसिक भी नहीं चल पा रहा, तो हाई कोर्ट के अंदर वो एक स्टेइंग ऑर्डर लगा सकते हैं जो कि मैक्सिमम 6 महीने का मॉरेटोरियम हो सकता है, जिसके अंदर उसको होल्ड करवा दिया जाता है कि भाई चलो ठीक है वेट कर लो, तुम अपना हिसाब किताब कर लो, लेन देन बंद कर दो। तो जो भी उसके अंदर क्या हो सकता है, ऑर्डर स्टेइंग द कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ ऑल एक्शंस एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट। तो कोई भी बैंकिंग बिजनेस है हाई कोर्ट को इंटीमेट कर सकते हैं कि भैया 6 महीने का हमको मॉरेटोरियम का दे दो कि ताकि हमारे ऊपर कोई भी जो भी एक्शंस चल रहे हैं या फिर कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो रुक जाए अभी टेम्पररीली। तो ये जो हमारे पास है तो यही हुआ था लोगों के पास, लोगों के साथ कि 6-7 महीने के लिए उनको बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है अब लोन जो है अभी मत चुकाओ, थोड़ा टाइम बाद चुका देना, क्योंकि पैसे की ऑब्वियसली कमी हो रही थी। तो जी ये था जी हमारा पूरा बैंकिंग का
हिसाब किताब जी, ठीक है जी, काफ़ी बड़ा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे अगर कौन कौन से सेक्शंस अगर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो बेसिक तो है ही, पाँच का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बैंकिंग का वर्ड समझाया जा रहा है। सेक्शन 7 बड़े इंपॉर्टेंट है, बैंकर बैंकिंग का एक वो प्रोसीजर है कि भाई तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते इन वर्ड्स को किसी भी और कंपनी के साथ, ठीक है जी। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ये तो करना ही करना पड़ेगा, तो भैया सेक्शन 9 में डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, तो इमोवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज़्यादा जो होल्ड नहीं कर सकता कोई भी बैंक है, लेकिन हाँ RBI की परमिशन के साथ 5 साल और बढ़वाया जा सकते हैं, ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो सकता है और हाँ, रिक्वायरमेंट एज अ पेड ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल होनी चाहिए किसी बैंक के पास, तो डोमेस्टिक बैंक है तो 5 लाख मिनिमम होना चाहिए, फॉरेन बैंक है तो 15 या 20 लाख अगर वो मुंबई कोलकाता चेन्नई में है तो दिल्ली में भी, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है सेक्शन 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम अपने खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्टर नहीं उठा के बना सकते, या फिर किसी और कंपनी के डायरेक्टर को डायरेक्टर उठा के नहीं बना सकते, ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है, रिजर्व फंड कि भाई 25% जो है रिजर्व फंड होना चाहिए किसी बैंक के पास, CRR जो है वो मेंटेन हो, SLR जो है वो मेंटेन हो, बड़ा इजी है, ठीक है जी। लाइसेंस बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी बिना RBI के लाइसेंस के काम नहीं चला सकती अपना, ठीक है जी। SLR हो गया जी 18.25 चल रहा है करंटली, अब अपडेट हो गया हो तो अलग बात है, ठीक है जी। अब इसके बाद सेक्शन 26 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, अनक्लेम डिपॉजिट, बड़ा सिंपल होगा, 6 महीने है पार्शियल फ्रीज होगा, इसके अंदर डिपॉजिट हाँ ऑब्वियसली क्रेडिट जो है वो अलाउड होगा, डेबिट अलाउड नहीं होगा, मतलब निकाल नहीं सकते तुम पैसे, 1 साल हो गया तो दोनों ही बंद कर दिया जाएगा भाई। उसके बाद 7 साल हो गए डेट डिक्लेयर हो जाएगा, 10 साल हो गए तो अनक्लेम्ड जो भी डिपॉजिट रहे जो भी अमाउंट रहेगा वो RBI के अंदर चला जाएगा, और उस फंड को कहाँ यूज़ करा जाएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो RBI के पास 36AA क्या है, पावर ऑफ RBI टू रिमूव मैनेजरियल अदर पर्सन, जो चेयरमैन डायरेक्टर को हटाने की पूरी पावर है RBI के पास, और AB सेक्शन 36 का AB का कह रहा है कि RBI के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये सारी जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मेरे अकॉर्डिंग जो हैं, बाकी अगर आप सारे कर पाएँ तो बढ़िया ही है, क्या ही दिक्कत है उसमें। तो बेसिक ये जो है इनको तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेशनलाइजेशन के और टॉपिक भी हैं आगे बैंकिंग के, वो जो है फर्दर उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चलो यही था इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन खोल के देख ले करो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी मिल जाएगा, और आप मेरे से फ़ोन पर कैसे बात कर सकते हैं आपको वो भी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ यूट्यूब ने, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू आकर भी मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन होगा उसको क्लिक करके जरूर जाइएगा, अगर वो रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ अगर वो ग्रे हो चुका है तो साथ में बेल आइकन को उसको क्लिक करना और ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ट्रिंग करके बच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBL प्रतीश शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय। एंड अभी कोरोना नहीं गया है, ठीक है जी, याद है कोरोना नहीं गया अभी बच के, चलो बाय बाय।